नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया देश में मनाए जा रहे 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के समाजसेवियों को जहां सम्मानित किया गया, वही कार्यक्रम में मुशायरा और कल्चर प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जहां शायरों ने अपनी शायरी से दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं वक्ताओं ने 74वें गणतंत्र दिवस को गौरव का दिन बताते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से कर्नल एसएस सोलंकी, अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य उस्मान अली मंसूरी, ऑल इंडिया मेव सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष असलम खान गोरवाल, साइबेरिया के कंसल्टेंट शमीम अहमद खान आदि के अलावा दिल्ली के सामाजिक, राजनीतिक एवं बुद्धिजीवी वर्ग के सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के अंत में खोजी कैमरा की संवाददाता मंजू कुमारी को कर्नल एसएस सोलंकी ने बताया। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है और 74वां रिपब्लिक डे हम लोग मना रहे हैं। हमने पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं आज इंडिया के इस्लामिक कल्चर सेंटर के इस बिल्डिंग से, जो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यहाँ पर आज प्रवास मीडिया ग्रुप की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया और जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी विरासत पे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, डिप्लोमेट्स और IAS IPS तमाम लोगों ने उस पर रोशनी डाली और लबोलवाब ये निकल के आया कि भारत एक गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, पारसी सब मिल के रहते चले आ रहे। उसको कोई भी भेजने की कोशिश करता है तो यहाँ की आवाम उसको रिजेक्ट करेगी। और जो हमारी विरासत है पुरानी, जिसमें हम मिल के चले आ रहे हैं, हम आगे भी चलते रहेंगे और देश के तमाम शहीदों को हम सलाम करते हैं जो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो अपनी आपको कुर्बान करते हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। और ख़ास तौर से हमारे दिल्ली की दो मोतबर शख्सियतों की मौत पिछले दिनों हुई, जिसमें अनीस दुरानी साहब और मौलाना अथहर दहलवी साहब, उनको हम लोगों ने खिराज अकीदत पेश किया और वाकई ये बहुत बड़ी लॉस है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत में आला मकाम मिले और उनकी मगफरत हो। बहुत शुक्रिया। आज आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस आज पूरा हिंदुस्तान धूमधाम से मना रहा है जी। और आज हमने कर्तव्य पथ पे देखा किस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने अपनी देश की ताकत को दर्शाया है जी। वह ताकत को दर्शाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम हिंदुस्तान विश्व में किसी भी चीज़ से कम नहीं। तो आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ देशवासियों को कि आप सभी ने वो इस देश के अंदर मिलजुल कर रहना है, नफरत दिलों में नहीं रखनी है, सब एकता की बात करें, हिंदुस्तान की तरक्की की बात करें, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, सभी धर्मों के लोग इस हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए। इस देश की पहचान अनेकता में एकता की है, इस एकता को बनाए। थैंक यू सर। आप सभी जानते इसमें प्रभाव मिले उसकी जानक से यहाँ पर प्रोग्राम और खासकर जो अवार्डीज हैं उसमें आपको भी अवार्ड दिया गया, तो इस बारे में आपका क्या मेरे प्रकार सर? मैं 1982 से घुड़सवारी में हूँ और वो मेरा पहला चांस था एज ए फैंस जज रहा। उस टाइम घोड़े नहीं मिले, राइडिंग करा, आगे चला, अवार्ड्स मिलते रहे, फिर उसके बाद हम कोचिंग में और जजिंग में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चला। जो मेरी मेन इवेंट के अंदर जो अभी लेटेस्ट अभी इस उम्र पे भी करते हुए मुझे मेरे को मिला है, मैंने पहली बार एक लड़कियों की टीम को टेंट पैकिंग के लिए तैयार किया और छोटे से नोटिस में उनको तैयार करके वर्ल्ड कप के लिए लेके गया जॉर्डन, जहाँ पर उन लड़कियों ने इतना अच्छा इवेंट किया, थर्ड प्लेस पे आए। उसके बाद मैं अभी पिछले दो चार दिन पहले ही मैं सूडान होके आया और इंडियन टीम वहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए सीनियर मैन वाले क्वालिफाई कर गए। मैं इसी लगा हुआ हूँ, जब तक है कहते हैं दम तो हम करते रहेंगे कुछ ना कुछ इस काम में। रिटायरमेंट एक बोझ से नहीं होती है, काम आगे करता रहे तो देश का नाम बुलंद और ऊपर पहुंचता है, यही हमारा एम है, यही हमारा।